बहुत सच्ची माता है जो मनोकामना मांगे के पूरी होंगी। आर्थिक स्थिति, मानसिक स्थिति, शारीरिक जो भी है, ये सभी का यहाँ लोग को लाभ मिलता है दर्शन करने से। काफी मतलब मॉर्निंग से यहाँ पे हम लाइन पे लगे हैं। और सबसे बड़ी खुशी है कि हिंदू नववर्ष की भी आज शुरुआत है, 2080 में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। जिनकी पूजा मंगल के दिन बहुत ज्यादा होती है और यहाँ जो भी मन्नत मांगी जाए वो पूरी होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। मैं विप्लव कुमार बता दूं, आज चैत नवरात्र प्रारंभ हो गया है। आज हिंदू पंचांग कैलेंडर के अनुसार आज नव वर्ष विक्रम संवत 2080 प्रवेश कर गया और हमें इस वक्त गया शहर के प्राचीन या कह ले तो शक्तिपीठ पालन पीठ माँ मंगला गौरी मंदिर में मैं मौजूद हूँ। और यहाँ पे श्रद्धालुओं को देखा जाए तो कतारबद्ध तरीके से दर्शन करने के लिए माँ मंगला के यहाँ पे इंतजार है। और यहाँ पे देखें तो काफ़ी समय से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए यहाँ पे एकत्रित हैं और बहुत दूर दूर से आए हैं, गया से, गया के बाहर से, देश विदेश के कोने से भी श्रद्धालु आते हैं। हालांकि हम जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पे श्रद्धालु आए हैं, क्या नाम है जी आपका, क्या नाम है बताया जाए? मेरा नाम इंद्रानी है मेरा नाम। कहाँ से आए? हम हैदराबाद से आए। क्या जानती है मंगला गौरी? वो बहुत सच्ची माता है जो मनोकामना मांगेंगे पूरी होंगी, इसलिए वो विश्वास से हम हर बार आते इधर। आप क्या नाम है? सूर्य कुमारी। कहाँ से आप आए हैं? गुंटूर से आया, आंध्र से। आंध्र से। क्या जानते हैं मंगला गौरी के इतिहास के बारे में? मंगल गौरी शक्तिपीठ उनके उच्चा तेलुगु विश्वास है, शक्तिपीठ है, विश्वास है, हर बार गया है तो हम यहाँ पर जरूर दर्शन करेंगे। यहाँ की मान्यता पूरी होती है जो मनोकामना पूरी होती है, माता सच्ची माता। ये इंद्रानी श्रद्धालु हैं जो आंध्र प्रदेश से चलकर आई हैं माँ मंगला गौरी शक्तिपीठ में दर्शन करने के लिए। और इन्होंने बताया कि जो भी सच्ची मनों से कामना करते हैं माँ मंगला उसे मुरादें पूरी करते। अच्छा, और मैं बनारस से आई हूँ, आज नवरात्र का पहला दिन है यहाँ दर्शन करने के लिए। एंड काफ़ी मतलब मॉर्निंग से यहाँ पे हम लाइन पे लगे हैं और काफ़ी भीड़ है आज मंदिर में। नहीं, मंदिर के बारे में हम बहुत सुने थे कि बहुत माता बहुत शक्तिशाली हैं जो सारी मन्नतें पूरी होती हैं, तो हम भी यही दर्शन करने आए हैं कि जो भी इच्छाएँ हैं हमारी पूरी हो जाए। हाँ, ये हम पहली बार आए हैं मंदिर दर्शन करने के। ज्योति स्वीटी सिंह जी, मैं रांची से आई हूँ, रांची से जी। क्या जानती हैं मंगला गौरी का? मैंने सुना है कि ये गौरी माता का मंदिर है, जिनकी पूजा मंगल के दिन बहुत ज़्यादा होती है और यहाँ जो भी मन्नत मांगी जाए वो पूरी होती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज नवरात्र का पहला दिन है तो हमने सोचा कि चलो दर्शन कराते हैं। नहीं, पहली बार आएंगे। माँ मंगला का आज चैत का नवरात्रा प्रारंभ हो रही है और सबसे बड़ी खुशी है कि हिंदू नववर्ष की भी आज शुरुआत है, 2080 में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। और आज का दिन हिंदुओं के लिए, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और माँ मंगला जो है शक्तिपीठ का एक पालनहार के रूप में, माता के रूप में शक्तिपीठ को माना जाता है और इनके कृपा पूरे गया, पूरे विश्व पे ही इनका ममता बरसती है जी। यहाँ सच्चे मन से जो भी मांगते हैं मनोकामना पूर्ण होती है और श्रद्धा भी। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे कितनी भी तनाव में आप रहेंगे, यहाँ आने के बाद शांति महसूस होती है। हाँ, आज से नवरात्र शुरू हो गए, हर साल की भांति इस वर्ष भी प्रातः 4 बजे कलश स्थापन हो गई। यहाँ ब्रह्म मुहूर्त में कलश स्थापन का विशेषता है। मंगला गौरी शक्तिपीठ में नवरात्र में दुर्गा जी का पाठ, कलश स्थापन आदि होते हैं। मंगलवार के महानिशा पूजन है, बुधवार के अष्टमी व्रत हैं, जो लोग अष्टमी व्रत करते हैं उनके लिए हैं। जो भी भक्त जिस मनोकामना से माई के यहाँ आते हैं, सभी का मनोकामना पूर्ण होती है, इससे उनकी आस्था में भी वृद्धि हुई है। क्या क्या ये नवरात्र में आप आयोजन की जाएगी? एक तो महानिशा पूजन, रात्रि जागरण का कार्यक्रम तो होता ही है और विशेष रूप से इसके अलावा प्रतिदिन दिन भर यहाँ दुर्गा जी के पाठ लोग करेंगे। शाम में भी संध्या आरती पूजन पाठ करते हैं। माई के 3 बार आरती होते हैं, प्रातः, मध्याह्न और मध्य रात्रि में। पुलिस प्रशासन की व्यवस्था ठीक है और यहाँ पर तो वे लोग अस्थायी रूप से भी दिए हुए हैं, 5-6 पुलिस लोग रहते हैं, गार्ड लोग जो हैं। यहाँ नवरात्र में काफ़ी भीड़ होती है, यहाँ क्या मान्यता है? मान्यता है कि
पालन पीठ है। और सब तो जो संसार में लोग को अच्छा बुरा समय गुजरता ही है, आर्थिक स्थिति खास करके लक्ष्मी के रूप में है, आर्थिक स्थिति, मानसिक स्थिति, शारीरिक जो भी है, ये सभी का यहाँ लोग को लाभ मिलता है दर्शन करने से। हालांकि आज यहाँ पे देखा जाए तो काफ़ी श्रद्धालुओं की भीड़ अहले सुबह से भीड़ है और पुलिस प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था की पुख्ता इंतजाम किया गया है। विप्लव कुमार, एक न्यूज़ 24, गया।